हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं दीक्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यार दीक्षा किचन में। फ्रेंड्स, आज हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेसन मलाई बर्फी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बर्फी होती है, किसी भी फेस्टिवल पे आप इसे झटपट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मलाई बर्फी है बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अक्सर जो बेसन बर्फी होती है उसमें बहुत ज्यादा घी का यूज होता है। जो आज की हमारी मलाई बेसन बर्फी है इसमें हमने बहुत ज्यादा घी का यूज नहीं किया है, बिल्कुल थोड़े से घी का यूज किया है। और इसमें एक तार या दो तार की चाशनी का भी कोई झंझट नहीं है, बहुत ही इजी मिठाई है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बेसन मलाई बर्फी बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हमने लिया है एक बाउल, उस पर रखेंगे हमने छलनी यानी कि सेनर, और इसमें डालेंगे हम बेसन। तो मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन का यूज किया है। आप जो भी आपके पास नॉर्मल जो बेसन होता है हम लोग अक्सर यूज करते हैं, आप वही बेसन ले लीजिए। और इसको हम छानेंगे। तो यहाँ हमने 2 कप बेसन लिया है। आप कोई भी कटोरी एक सेट कर ले, उससे आप सारा मेजरमेंट करें। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से छान लिया है, और ये छानने के बाद बहुत ही हल्का हो जाता है और इसमें लम्स भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद लिया है मैंने यहाँ पे ये 1 कप मलाई। तो ये दूध की मलाई है, नॉर्मल जो हम लोग दूध गर्म करते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं, जो उसके ऊपर मलाई जमा हो जाती है। तो ऐसे ही हमने उसको इकट्ठा कर लिया है, और आप फ्रीजर में इसको निकाल के स्टोर करते जाए तो ये बिल्कुल ताजी मलाई रहेगी। तो हमने इसी तरीके से इसको स्टोर कर लिया था। तो ये हमने 1 कप ली है, और जो ये मलाई है अब हम इसमें जो हमने बेसन लिया है इसको अच्छे से इसमें गूथेंगे, यानी कि जो इसमें हम किसी भी तरीके का पानी या दूध का यूज नहीं करेंगे। इसी मलाई में हमने ये जो बेसन है सारा इसमें गूथ लेना है, यानी कि जिस तरीके से हम रोटियां बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, आटा के डोर, तो उसी तरीके से हमने इसको लगा लेना है। तो चलिए लगा लेते हैं। और आपको देखिए बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है, बहुत इजी लग जाता है ये। और 2 कप बेसन के लिए 1 कप मलाई एकदम परफेक्ट है, और 1 कप मलाई में ये डो बहुत ही अच्छा लग के रेडी हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये डो हमने यहाँ पे लगा लिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो हम इसको ढके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 15 से 18 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। तो अभी ये काफी फूल गया है पहले से। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गैस पे रखी है एक कढ़ाई, और इसमें डालेंगे ओनली बस 2 टेबल स्पून घी। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच घी का यूज किया है, बहुत ज्यादा घी नहीं चाहिए हमें इसमें, क्योंकि जो बेसन है हमने मलाई से डो बनाया है इसलिए। तो अभी जैसे घी गर्म हो जाए तो इसमें हम अपना गुथा हुआ बेसन डाल देंगे, और इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो बेसन बर्फी होती है इसमें हमें अगर 2 कप बेसन लिया है तो इसमें 1 कप आराम से जो घी है वो लग जाता है, लेकिन इसमें हमें इतना सारा घी बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये जो बिना घी के ये बर्फी इतनी टेस्टी लगती है, इतनी सॉफ्ट बनती है, आपको इसमें बेसन की बर्फी का भी टेस्ट आएगा और साथ में मावा की बर्फी का भी टेस्ट आएगा, जबकि हमने इसमें बिल्कुल भी किसी तरीके का मावा का यूज नहीं किया है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाना। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरीके से हम इसे प्रॉपर चलाते हुए आपको यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, एकदम हाई नहीं करना है, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और इसे भूनते रहेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये पहले से थोड़ा सा ड्राई हो गया है, और इसने जो भी बेसन था सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसको चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। अभी हमें इस स्टेज पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं चलाते हुए, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ड्राई हो गया, लेकिन अब ये पूरी तरीके से भुना नहीं है, तो अभी हमने इसे और भूनना है। और आप इसे लगातार चलाते हुए भूने, जैसे इसका इसकी पहचान ये है कि ये जैसे ही अच्छे से भून जाएगा तो इसका एकदम कलर चेंज हो जाएगा और ये क्रम्बली हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से हमने भून लिया है, गैस को कर देते हैं बंद। तो अभी मुझे 20 से 22 मिनट लग गए हैं इसको भूनते हुए, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है, आप देख पा रहे होंगे।
तो आप देखिए बहुत अच्छे से हमारा बेसन भून चुका है। तो अभी हम इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। और सेम कढ़ाई में हमने लिया है यहाँ पर 1 कप चीनी। तो अगर आपने 2 कप बेसन लिया है तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 कप चीनी लग जाएगी। 1 कप चीनी ली है, इसमें हम डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी। आप देख सकते हैं 1 कप से बस थोड़ा सा, ऐसा मान लिए 1.25 कप पानी हमने इसमें यूज किया है। तो अभी हमें लगातार चलाते हुए इसकी बनानी है चाशनी। तो हमने यहाँ पे 1 तार या 2 तार की बिल्कुल चाशनी नहीं बनानी है, हमको सिर्फ यहाँ पे जो चीनी है अच्छे से मेल्ट करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम कर लेते हैं प्लेट या थारी, जो भी आपके पास ट्रे बर्फी वाली ट्रे हो आप उसको रेडी कर लीजिए। उसमें घी लगा के और अच्छे से ग्रीस कर लीजिए चारों तरफ से। तो यहाँ हमारी थाली तो ट्रे तो हो चुकी है रेडी, हम फिर से देख लेते हैं चाशनी को। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो चीनी है पूरी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दिया है। आप देख सकते हैं एकदम चिपचिपी सी हो गई है, जैसे हनी होता है उस टाइप से, लेकिन बहुत ज्यादा हमने यहाँ पे गाढ़ी नहीं की है। तो जैसी चीनी मेल्ट हो जाए अभी हम यहाँ पे डाल देंगे बेसन, जो हमने इसको रोस्ट करके रखा था जिस स्टोव को। तो हम लगातार चलाते रहेंगे और हमने इस तरीके से सारा बेसन यहाँ पे डाल दिया है। तो हम यहाँ पे चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप जब भी बनाएं तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी ना घबराएं कि जैसे ये इसमें आपको कुछ लम्स दिख रहे होंगे, तो ये चाशनी में डालते ही लम्स आपको कुछ लगेंगे, लेकिन आप जैसे इसको चलाते जाएंगे और हाथों से मिक्स करते जाएंगे तो ये सारे जो लम्स हैं सारे हट जाएंगे, मिट जाएंगे। और आप लम्स को इस तरीके से तोड़ते जाएं और इसको प्रॉपर चलाते जाएं। तो हमने इसको जब तक पकाना है जब तक ड्राई करनी है कि जब तक ये जो आपको लिक्विड चाशनी नजर आ रही है वो सारी खत्म हो जाए और ये बर्फी की फॉर्म में आ जाए। तो अभी हमने यहाँ पे एक छोटी आधी छोटी चम्मच डाल दिया है इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और इसको फिर से लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। तो जब तक इसका मिक्सर एकदम गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और लम्स को तोड़ते रहेंगे। और ये बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि लम्स बने रहेंगे, एकदम चिकनी फॉर्म में आ जाएगी ये। तो आप देख सकते हैं काफी ड्राई हो गई है पहले से, लेकिन अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है तो हम इसको और चलाएंगे थोड़ी देर। तो आप देख सकते हैं अभी पहले से और ज्यादा गाढ़ी हो गई है। तो अभी हम इसको, अभी हमने इसका जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम रखा है। तो आप एक तरीका है इसको पता करने के लिए कि हमारी मिक्सचर रेडी है या नहीं, आप उसको थोड़ा सा लीजिए अलग बर्तन में और उसको पहले ठंडा कर लें थोड़ा सा। और जैसे ही मिक्सचर ठंडा हो जाए इसको आप अपने हाथों में लेके देखें और इसकी एक गोली टाइप की बना के देखें, लोई देखिए बॉल्स जैसी। आज ये बॉल्स जो बन रही है बिना चिपके हुए हाथों में, इसका मतलब जो हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है। तो हम इसको थोड़ा सा और चला देते हैं। तो हमारे यहाँ पे मिक्सचर हो चुका है एकदम से बन के रेडी। तो हमने बस इतना ही यहाँ पे इसको पकाना है कि जो इसका बॉल से इजीली बन जाए और हाथों में ना चिपके। और ये देख सकते हैं आप जो मिक्सचर है ये पैन छोड़ने लगा है, यानी कि कढ़ाई छोड़ने लगा है। जैसे ये तली छोड़ने लगे तो आप समझ जाइए मिक्सचर एकदम बन चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बिल्कुल बंद और मिक्सचर है हमारा एकदम बर्फी का एकदम रेडी। और इसको अब हम एक जो हमने थाली या ट्रे रेडी करके रखी थी उसमें हम ट्रांसफर कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे एक थाली में इसको कर लिया है और आप कोई भी स्पून चम्मच लीजिए उसमें थोड़ा सा घी लगाएं और चम्मच की हेल्प से इसको पूरे में फ्लैट कर लें, फैलाते हुए इसको चिकना करें। तो आप देख सकते हैं मैंने स्पून की हेल्प से इसको चिकना सा कर लिया है अच्छे से। आप कोई भी स्पैचुला भी ले सकते हैं, उससे आप बराबर कर लें जितनी भी आपको इसकी मोटाई रखनी है। तो अभी यहाँ पे लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट, तो मैंने पिस्ता और कुछ थोड़े से काजू लिए हैं, उसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया है फाइनली। तो उसकी ये मैंने डाल दिया और स्पून से हल्का सा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है ये, लेकिन इसे लगाने से और ज्यादा थोड़ी टेस्टी भी हो जाती है और दिखने में अच्छी लगती है। अब हम इसको रख देते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। आप फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं, आपको तो अगर ज्यादा
जल्दी है तो आप इसको फ्रीजर में आधे घंटे के लिए रख दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा, मैं बिजी थी, टाइम नहीं था, तो मैंने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से जो बर्फी एकदम जम चुकी है, तो अब हम इसको पीसेस में कट कर लेते हैं। आपको जैसे भी पीस पसंद हो, तो मैं इसको थोड़े से बड़े पीसेस में रख रही हूँ। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं सिल्वर वर्क या फिर चांदी वर्क। आप इसको ऐसा भी रख सकते हैं प्लेन, बस इसको लगाने से टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, बस दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगेगी। तो हमने इसको लगा दिया। मैं आपको एक पीस इसका निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए कितना इजी इसका पीस निकल आया है, यानी कि जो बर्फी है हमारी एकदम से बन के बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी है। अब हम इसी तरीके से सारे पीस निकाल देंगे इसके। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी फाइनली मलाई बेसन बर्फी एकदम बन के रेडी है, बिना किसी झंझट और बिना किसी एक तार दो तार की चेकी हुए चाशनी के। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें बिल्कुल भी मावा नहीं यूज किया है, लेकिन आप जब भी इसको बनाए और इसको एक बार जरूर ट्राई करें, जब भी इसको खाते हैं तो इसमें बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आता है, और ये बहुत ही नरम सॉफ्ट बनती है और ये टेस्टी बहुत लगती है। आप जब भी कोई फेस्टिवल हो और तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। आई होप आज की हमारी आप रेसिपी जो है आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बेल को जरूर दबाएं, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए आप यार दीक्षा किचन। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं।